तो वही 9 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं 9 जून को। हमने आपको पहले ही बताया, अब समय भी आ रहा है निकलकर सामने, शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो शाम 7:15 बजे 7:15 पर शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं, सुना आपने उन्हें, और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है कल की खास बैठक के लिए। और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ये जानकारी कि 9 तारीख को होगा, शाम को 7:15 पर शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कल एनडीए के सहयोगियों के साथ मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी ने, बीच में आपको खड़े हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं तमाम लोग, विक्ट्री साइन दिखाते हुए। और इस बैठक में भी नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया था, कल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है उसमें भी नेता चुना जाएगा। नई सरकार गठन से पहले ये जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं यहाँ पर पूरी की जा रही हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जा रहा है तमाम फॉर्मेलिटीज को। राष्ट्रपति ने भी 7 जून को मिलने का समय दिया हुआ है, 7 जून को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति से मुलाकात होगी जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, शाम 7:15 पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरी बार उनकी सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी जीत कर आई, 240 सीटें, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई, लेकिन एनडीए के पास मेजोरिटी से ज्यादा का नंबर हासिल है। अशरफ कासमी हमारे सहयोगी जुड़ गए। अशरफ, 7:15 9 जून को, ये शाम का समय जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये सब तय हो चुका है, रविवार को 9 जून और शाम को 7:15 प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये अब सब तय हो चुका है, राष्ट्रपति भवन की तरफ से सूचना आ गई है। अब 7:15 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और वो उनका तीसरा टर्म है, हैट्रिक है और ये बहुत बड़ी है कि आजादी के बाद, नेहरू के बाद, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। एक नया रिकॉर्ड बना है, अब तक लगातार पंडित नेहरू के बाद कोई भी तीसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बना और अब प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी फिर से निभाने जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अशरफ। वहीं भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिले नव निर्वाचित सांसद, ऐतिहासिक जीत की सीएम ने अपने सांसदों को बधाई दी। भोपाल से जीते आलोक शर्मा, होशंगाबाद के दर्शन सिंह चौधरी, राजगढ़ चुने गए रोडमल नागर ने सीएम से मुलाकात की। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मुलाकात की दर्शन सिंह के साथ, यहां पर सीएम डॉक्टर यादव को आप देख पा रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता, मुंह मीठा कराते हुए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करने पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि ये अच्छी बात है कि कांग्रेस नेता शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें दूसरे नेताओं की तारीफ भी करनी चाहिए। शिवराज सिंह, देखिए कांग्रेस के पास अब बचा ही क्या है, जिस नजर से कांग्रेस अपने संगठन को देखती है कि राहुल हो या प्रियंका इस पर ही वो विवाद करते हैं, उसी नजरिए से वो भाजपा को देखते हैं तो गलती करते हैं। भाजपा ने चुनाव मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है, मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य नेता है और मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार गठित होने वाली है। बाकी मैं कांग्रेसियों का स्वागत करता हूं कि वे हमारे अन्य नेताओं की भी महिमा और गुणगान कर रहे हैं और ऐसे ही वो और नेताओं की भी करें तो बेहतर होगा। चुनाव निश्चित तौर पर मोदी के चेहरे पर, मोदी की गारंटी पर लड़ा गया।
अब लेकिन वो सरकार बनाने में प्रयासरत है, मोदी की गारंटी तो खत्म हो गई, अब चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की गारंटी पर वो सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इसमें मोदी पीएम बिल्कुल नहीं हो सकते। हम तो मांग करते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद स्वीकार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना ऑरा बनाया है वो खुद ही अपना कद घटाएंगे। जहां तक शिवराज जी की बात है, मध्य प्रदेश के नाते हम स्वागत करेंगे, अगर शिवराज जी यहाँ चार बार मुख्यमंत्री रहे, लगभग 17 साल मुख्यमंत्री रहे, अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो हम स्वागत करते हैं, भले किसी भी दल के हों। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके 1.5 लाख से जीते हैं, जबकि उनको 10 लाख से जीतने का दावा किया, और शिवराज जी 8.5 लाख से जीते हैं। तो कई ऐसी चीज है जो शिवराज जी का दावा मजबूत करती है, प्लस शिवराज जी ओबीसी वर्ग से भी आते हैं। तो वही एमपी कांग्रेस ने लिया है बागियों पर बड़ा एक्शन। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का यह बड़ा फैसला, कांग्रेस बदलेगी विधायकों की सिटिंग अरेंजमेंट में, कांग्रेस बदलाव लाएगी, सदन के आसन क्रम में बदलाव होगा, बागी विधायकों को अपने साथ नहीं बैठाएगी कांग्रेस। निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत ने छोड़ी है कांग्रेस, छोड़ने के बावजूद विधायक पद से नहीं दिया इस्तीफा, इस्तीफा नहीं देने के बाद कांग्रेस का यह फैसला। 1 जुलाई से शुरू हो रहा है मानसून सत्र, 19 जुलाई तक चलेगा, और इन दिनों में कांग्रेस से छोड़कर गए रामनिवास रावत, निर्मला सप्रे कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, कांग्रेस ने बदलाव किया है, बागियों पर बड़ा एक्शन किया, विधायक पद नहीं छोड़ा है इन दोनों ही विधायकों ने, तो ऐसे में कांग्रेस अपने साथ नहीं बैठाएगी।